हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग बुक्स ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। पास्ट लाइफ के बारे में हमारी हिंदू सभ्यता में बहुत पहले से कहा जाता है। हाँ, अगर हम पाश्चात्य सभ्यता की बात करें, अदर कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर पास्ट लाइफ को लेकर या पुनर्जन्म या पूर्व जन्म को लेकर इतनी मान्यताएं नहीं थी। लेकिन अब समय बदल रहा है। इंडिया से बाहर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साइंटिफिकली या फिर साइकोलॉजिकली पास्ट लाइफ को एक्सप्लेन किया है और इसे एक थेरेपी की तरह यूज़ किया है। थेरेपी क्यों? थेरेपी इसलिए क्योंकि कहते हैं कि आज जो हमारा जीवन है, आज जो हमारा जन्म है, जिस बॉडी में हम हैं, जिस फैमिली में, जिन सर्कमस्टेंसेस में हम हैं, वो सब हमारे कर्मों की देन है या फिर हमारी पास्ट लाइफ की देन है। हाँ, डेफिनेटली हमारी जो आज लाइफ है वो 50% हमारे कर्मों पर डिपेंड करती है और 50% हमारी प्रेजेंट चॉइसेस पे या हमारी फ्री विल पे डिपेंड करती है, जिसे हम बदल सकते हैं। तो बहुत सारे कर्म, इसे तो हम सभी मानते हैं, इवन हमारी भारतीय सभ्यता में भी इसे बहुत 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 पहले से जाना जाता है, क्योंकि गीता में भी इसका जिक्र है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से हम क्या ऐसा बदल सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ के बारे में जानकर हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को कैसे बदल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे रिश्ते सफ़र कर रहे होते हैं जिनमें एक अच्छा समन्वय नहीं होता, एक लविंग रिलेशनशिप नहीं होता, और हम कहते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया। या फिर कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हुआ। हम कर्म तो मानते हैं, हम कहते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा, इवन 90% लोग इस बात पर यकीन करते हैं दुनिया में। लेकिन हम ये नहीं मानते कि ये जो कर्म है ये सिर्फ इसी जन्म के नहीं है, ये पिछले जन्मों से भी हो सकते हैं। और जब हम इसे नकार देते हैं तो हमारे पास हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते कि अगर ये एक अच्छा इंसान है, इसने इस लाइफ में कुछ नहीं किया, तो इसके साथ बुरा क्यों हुआ। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमारी पास्ट लाइफ में छिपे होते हैं। अगर एक अच्छा इंसान है, उसने कुछ नहीं किया और उसके साथ कुछ गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसके रिजल्ट हमें मिलते हैं और जिससे हम सीखते हैं। कर्म कोई सज़ा नहीं है। जब वो कर्म हमें मिलते हैं वो सज़ा नहीं है, वो एक टीचिंग है, और इससे हम सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं, ताकि हम हमारे अंदर वो जेनरोसिटी, वो लव क्रिएट कर सकें अपने आप के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो पास्ट लाइफ में जाकर या फिर उन मेमोरीज़ को टैप करके जब हम अपनी रियलिटी को देखते हैं, तो बहुत सारे इमोशन जो हमारे अंदर स्टक होते हैं जन्मों जन्मों से, हमारी लाइफ बॉडी में, हमारी कार्मिक बॉडी में, वो हम इस जन्म तक साथ लेकर आते हैं। तो जब उस मेमोरी को हम टैप करते हैं या फिर से देखते हैं, तो उन स्टक इमोशंस को हम रिलीज़ करते हैं। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट उन स्टक इमोशंस को आपको रिलीज़ करने को कहता है। और जब हम उस रिलीज़ के साथ फिर से इस कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो हमारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये थेरेपी उतनी लोगों में उतना अवेयरनेस इसको लेकर नहीं था। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जहां से इस थेरेपी को पहचान मिली और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने लगे। तो इसी सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डॉक्टर ब्रायन वीज़ के बारे में। डॉक्टर ब्रायन वीज़ जो कि एक ऑब्वियसली बुक्स के राइटर हैं, और उनको भी इतना पास्ट लाइफ के बारे में नॉलेज नहीं था, जब तक एक ऐसी पेशेंट उनकी लाइफ में आई जिसने उनकी सोच को बदल कर रख दिया। ऐसा क्या हुआ? इस सीरीज में उनकी सबसे पहली बुक जो उन्होंने लिखी थी वो थी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, कई जीवन कई देवात्माएं। और डॉक्टर ब्रायन वीज़ क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके लिए पास्ट लाइफ पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो पूरी कहानी इस बुक में दी गई है।
कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मेंटल इश्यूज़ को लेकर या इमोशनल इश्यूज़ को लेकर मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर इस लाइफ में हमें नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कैथरीन के साथ। कैथरीन डॉक्टर ब्रायन वीज की पेशेंट थी। कैथरीन अपने बहुत सारे इश्यूज़ लेकर डॉक्टर ब्रायन वीज के पास आई थी। उन्हें बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, उन्हें एंजाइटी होता था, वो डिप्रेशन में थी और उन्हें कई बार ब्रीदिंग इश्यूज़ होते थे जिसके आंसर्स उन्हें नहीं मिल पा रहे थे मेडिकल थेरेपी में, या फिर दवाइयों से उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तब उस टाइम जब वो मैंने वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रायन वीज के पास आई, लगभग उनका इलाज 18 महीनों तक चला। और डॉक्टर ब्रायन वीज जब उन्हें उनके पास में लेकर जाते थे, मनोवैज्ञानिक एक्चुअली आपकी इसी लाइफ में आपको पास में लेकर जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं जिनकी वजह से आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें इस लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे। तो डॉक्टर ने एक सेशन में उनसे कहा कि आप जो भी आपका प्रॉब्लम है आप उसके रूट में जाइए। और सडनली वो अपने आप को एक पास्ट लाइफ में देखती हैं जहाँ वो अपने आप को डूबते हुए देखती हैं। और जब उस सिचुएशन से, उस इमोशन से डॉक्टर उन्हें अलग करते हैं या रिलीज करते हैं और इस प्रेजेंट लाइफ में, इस कॉन्शियसनेस में आकर धीरे धीरे उनकी जो ब्रीदिंग इश्यूज थे वो चले जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तब तक भी उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे वो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सेशन लेते हैं कैथरीन के, धीरे धीरे वो एक एक करके अपनी पास्ट लाइफ में पहुँचती चली जाती हैं और उन्हीं सभी लाइफ से अपने सारे इश्यूज़ उनके ठीक होते हैं अपने आप, हर एक बात का सोल्यूशन। और सडनली ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में एक अलग ही चेंज, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि जब हम अपनी इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारे हमारे जो टैलेंट होते हैं वो निखर कर बाहर आते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कैथरीन के साथ हुआ और ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग ये हुआ कि कैथरीन लाइफ बिटवीन लाइफ के स्टेट में पहुँच जाती हैं जहाँ से एक अलग ही आवाज़ में डॉक्टर को कुछ मैसेजेस मिलते हैं और वो सारे मैसेजेस उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में होते हैं। कैथरीन डॉक्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उनका एक छोटा बेटा था जो बहुत पहले मर चुका था, उसके बारे में कैथरीन उन्हें मैसेज देती है, सब कुछ बताती है उसी हिप्नोटिक स्टेट में। और तब डॉक्टर ब्रायन वीज की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, उनकी पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाती है अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी थेरेपीज को लेकर। और उसके बाद उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में काम किया और बहुत नाम कमाया और बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज तैयार किए जो आज काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को मैं कहूँगी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ हम अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं और वहाँ से उन इमोशनल बैगेजेस को रिलीज करते हैं। इसके बाद सीरीज स्टार्ट होती है डॉक्टर ब्रायन वीज की पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज की। और ये बुक काफ़ी फेमस रही उस टाइम पे और उसके बाद कई सारी बुक्स उन्होंने लिखी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स पे मैंने पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं या बुक पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक है मिरेकल्स हैपन। इसमें भी डॉक्टर ब्रायन वीज ने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए जो उनके और उनके पेशेंट्स के बीच थे, बहुत सारे ऐसे केस कि किस तरह से हम पास्ट लाइफ में जाकर अपनी प्रेजेंट लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने उन इमोशनल बैगेजेस को निकाल कर अपनी लाइफ में जहां हम स्टक हैं ना आगे मूव कर सकते हैं। जब मैंने ये बुक्स पढ़ी तो इन्होंने मेरा कंप्लीट जो लाइफ को लेकर, जो दैट को लेकर मेरे थॉट प्रोसेस थे उसको चेंज कर दिया। एंड इसीलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्प्रेड ऑल दिस नॉलेज। और इसीलिए इन सभी बुक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मिरेकल्स हैपन ये बुक भी हीलिंग पावर के बारे में है। हीलिंग पावर पास्ट लाइफ मेमोरीज को याद करने से किस तरह से उनके जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हुए और उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रोथ की। हर एक स्टोरी को इन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर जो पेशेंट्स उनके पास गए उनके सॉल्यूशन और अमेजिंग मिरेकुलस सॉल्यूशन उनको मिले।
डेफिनेटली जब आप ये बुक पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है, ये कहीं अलग है और कहीं ज़्यादा है। इसके बाद एक और बुक है मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, या फिर कहें तो दिव्यात्माओं के संदेश। इसमें भी डॉक्टर ब्रायन वीस ने वो केस शेयर किए हैं या फिर अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दौरान जो मैसेज उन्हें मास्टर्स से मिले, मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स या फिर एंजल्स, आप जो भी नाम दें, ये वो डिवाइन बींग्स होते हैं जो अदर डायमेंशन में हैं, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं और जो ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। जिस भी डिवाइन बींग को, गॉड या गॉडेस को आप मानते हैं, लाइक शिवा, लाइक कृष्णा, लाइक साईं बाबा या जीजस, कोई भी, वो सभी मास्टर्स हैं, वो असेंडेड मास्टर्स हैं जो हम सबकी हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और जहाँ भी लाइफ के कुछ झमेलों में हम फंस जाते हैं तो वो हमें रास्ता बिल्कुल ज़रूर दिखाते हैं। और किस तरह से मास्टर्स ने लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेकर, अलग अलग टॉपिक को लेकर और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर डॉक्टर ब्रायन वीस को जो आंसर्स दिए वो उन्होंने अपनी इस बुक में लिखे हैं, दिव्यात्माओं के संदेश या मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके बाद एक बुक आती है एंड ये तो बिल्कुल मिरेकल है, नहीं इसे मिरेकल कहूँगी क्योंकि अगर कुछ लोग कहेंगे कि पास्ट लाइफ थेरेपी में हमें उतना बिलीव नहीं है कि हम इमेजिन करते होंगे या फिर कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन ये बुक उसका आंसर है कि वो इमेजिनेशन नहीं है। क्यों? इस बुक का नाम है ओनली लव इज रियल, और ये बुक है दो ऐसे लोगों की जो अलग अलग टाइम पे डॉक्टर वीस के पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। अलग अलग टाइम पे मतलब दोनों ही एक दूसरे को जानते नहीं थे और उनके अपनी लाइफ के डिफरेंट इश्यूज थे, एलिजाबेथ और जब ये डॉक्टर के पास आए थे तो इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इन दोनों की लाइफ किस तरह से कनेक्टेड है। लेकिन जब उनकी थेरेपीज स्टार्ट हुई और अलग अलग टाइम पे उनकी थेरेपी स्टार्ट हुई, पहले पेड्रो आते थे और उनके जाने के बाद एलिजाबेथ आती थी और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। जब इनकी पास्ट लाइफ देखी गई या फिर जब डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो एक अजीब सी बात ये हुई कि दोनों एक ही लाइफ में पहुँचते थे जहाँ पर एक ने किसी दूसरे इंसान को खोया है, हर लाइफ में जहाँ किसी ने दूसरे इंसान को खोया है। और वैसे ही एलिजाबेथ देखती थी कि जहाँ उन्होंने बिल्कुल सेम लाइफ में अपने आप को देखा होता है, जहाँ वो दूसरे इंसान की जगह अपने आप को देखती हैं और दोनों के डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम होते हैं। और ये सिर्फ एक लाइफ को लेकर नहीं, लगभग 6-7 लाइफ को लेकर होता है, सेम स्टोरी दोनों सेशन में, अलग अलग क्लाइंट्स और सेम स्टोरी। तब डॉक्टर को थोड़ा डाउट होता है कि कहीं ना कहीं किस्मत ने या कहें तो ईश्वर ने इन दोनों को मेरे पास इसीलिए भेजा है ताकि मैं इन दोनों को मिला सकूं और आगे की इनकी लाइफ खुशियों से भरी हो। और इस जर्नी में पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है लेकिन एक दूसरे को नहीं देखते, हाँ एक अट्रैक्शन इन्हें फील होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भगवान किसी को मिलाना चाहते हैं तो कैसे भी कुछ भी करके मिला ही देते हैं, चाहे दूरियां कितनी भी ज़्यादा हों, चाहे दोनों दूसरे देशों से क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है एलिजाबेथ और पेड्रो के साथ। अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उनकी मेंटल कंडीशन काफ़ी सही होती है और वो बहुत पीस फील कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक बार फिर वो एयरपोर्ट में एक ही जगह पर मिलते हैं, एलिजाबेथ की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो जाती है, लेट हो जाती है, और वो सेम फ्लाइट में होते हैं पेड्रो के साथ। और तब वो दोनों अपनी ट्रीटमेंट के बारे में, डॉक्टर ब्रायन वीस से अपनी जर्नी के बारे में शेयर करते हैं, और जब अपनी पास्ट लाइफ के बारे में शेयर करते हैं तब अपने आप को पहचान पाते हैं। और तब वो डॉक्टर ब्रायन वीस को कॉल करके बताते हैं कई साल बाद कि अब हम साथ में। ये स्टोरी है सोलमेट्स की और ये बुक हमें प्रूफ देती है कि सोलमेट्स होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप होते हैं और पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके बाद एक और बुक है सेम सोल मैनी बॉडीज, इसके राइटर भी डॉक्टर वीस हैं और इन्होंने अपने जितने भी केस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज से लिए हैं वो इन सभी बुक्स में शेयर किए हैं।
और इन सब पे वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके बाद मैं शेयर करूंगी पास्ट लाइफ्स रिग्रेशन से ही रिलेटेड डॉक्टर माइकल न्यूटन की दो बुक्स। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने काम किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे, लेकिन उनका काम बेसिकली लाइफ बिटवीन लाइफ के बीच में था। मतलब एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच आत्मा कहाँ होती है, वो क्यों जन्म लेती है, वहाँ वो क्या करती है, एवरीथिंग। और वो सारे एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपने पेशेंट्स के साथ लाइफ बिटवीन लाइफ के बारे में लिए हैं, उस पर उन्होंने दो बुक्स लिखी हैं, जर्नी ऑफ सोल एंड डेस्टिनी ऑफ सोल। और ये दोनों ही बुक्स आपका माइंड लाइफ और डेथ को लेकर बिल्कुल बदल देगा, क्योंकि हम सबके अंदर ना डेथ को लेकर बहुत डर होता है, क्योंकि एक अननोन है, क्योंकि उसके बाद क्या है हमें पता नहीं, इसलिए हम डरते हैं। कि जब आपको पता है कि उसके बाद क्या है, आपका अस्तित्व आपको समझ आता है, आपका लाइफ पर्पस आपको समझ आता है, सुसाइड के थॉट्स जो कुछ लोगों के दिमाग में आते हैं वो निकल सकते हैं, क्योंकि वो अंत नहीं है, उसके बाद बिल्कुल अंत नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा हमेशा जिंदा रहती है। और यही ऐसे एक्सपीरियंसेस डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपनी इन दो बुक्स में शेयर किए हैं, और इन दोनों बुक्स में मैंने वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। लाइफ बिटवीन लाइफ एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे सोल रेस्ट करती है, मतलब दो जन्मों के बीच का एक गैप। जब हम कहते हैं कि हम यहाँ आने से पहले कहाँ थे, हम स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, हम सोल वर्ल्ड में होते हैं। जस्ट डेथ के बाद जब हम सोल फॉर्म में होते हैं, हमारे थॉट्स क्या होते हैं, हम क्या फील कर रहे होते हैं, जो लोग हमारी डेड बॉडी के आसपास रो रहे होते हैं हम उनके लिए कैसा महसूस कर रहे होते हैं, हम क्यों, कुछ लोग जो हैं वो यहीं पे स्टक रह जाते हैं, क्यों आसानी से वो आगे अनदर डायमेंशन में नहीं जा पाते हैं, और किस तरह से हमारे मास्टर्स उनकी हेल्प करते हैं उन्हें अनदर डायमेंशन में ले जाने में, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, इस रियलिटी को महसूस करना चाहते हैं, देन बुक्स को ज़रूर पढ़िए। और मैं इन पे यकीन करती हूँ, बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते पर हूँ और मेरे एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं आफ्टर डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में, और अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अपने जो डर हैं उनको रिलीज़ करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगी कि बुक्स पढ़ने के बाद आपका डेथ को लेकर, लाइफ को लेकर जो डर है वो निकल जाता है, और आपका डिप्रेशन भी कहीं बेटर हो जाता है जस्ट बाय रीडिंग दिस बुक्स, बिकॉज ये आपका माइंडसेट बदल देती है। आज के लिए बस इतना ही। बुक्स के बारे में अगर जानना हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।